अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मिस कटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 18.4 है, हमारे पास सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर से है। कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट शोन इन द फिगर। ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट गिवन है, इसमें हमने आउटपुट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है 5 वोल्ट को हमने V1 का है, V2 हमने ये -2 वोल्ट है, इसके थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है, I2 रेजिस्टर 2 के थ्रू R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू गिवन है। ये हमारे पास 0 आ गया, न्यूट्रल पॉइंट आ गया, R3 की वैल्यू गिवन है, या R3 हम I3 कर रहे हैं, और हमारे पास नेक्स्ट जो एंड पॉइंट है हमारे पास ग्राउंडेड हो जाते हैं, यानी 0 वोल्ट। तो यहाँ से पता भी चल जाता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है क्योंकि वो ग्राउंड हो रहा है तो वो 0 ये आएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू आ भी सकती है, मगर ये हमारे पास ग्राउंडेड है तो ये जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 10 किलो ओम, R2 4 किलो ओम, R3 20 किलो ओम, V1 पोटेंशियल 5, V2 इज इक्वल टू -2 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज वी नॉट हमने फाइंड करनी है। तो यूजिंग कैचिफ रूल हमारे पास क्या है, करंट थ्रू R1 प्लस करंट थ्रू R2 इज इक्वल टू करंट 3 R3। करंट रूल है जो सम ऑफ हमारे पास जितना करंट एंटर हो रहा है उतना हमारे पास लीव कर रहा है, ये हमारे पास करंट रूल के थ्रू है। तो I1 प्लस I2 हमारे पास मस्ट भी इक्वल टू I3, ठीक है, एक किरचॉफ रूल के थ्रू है। अब हमारे पास V इज इक्वल टू IR होता है, I इज इक्वल टू V और R होता है। तो यहाँ से हमारे पास I1 इज इक्वल टू V1 और R1। तो देखो चेन डेल V है, असल में I इज इक्वल टू डेल V और R है। चेन हम ले रहे हैं V1 -0, इनके दरमियान देखो चेन ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो ये हमारे पास 0 वोल्ट है और ये हमारे पास क्या है 5। तो 5 -0 R2 के लिए हमारे पास -2 -0, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है वोल्टेज और यहाँ से हमारे पास दूसरे का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अगला सर्किट शुरू हो जाता है, इसलिए हम ये दो पॉइंट्स के दरमियान लेंगे, ठीक है। डिफरेंस ये हमें गिवन है कि ये N9 न्यूट्रल पॉइंट है, तो यहाँ से हमने डिफरेंट लेना है, और फिर ये तीसरे रेजिस्टेंस का यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 -0 और R1 और -V2 -0 और R2 और हमारे पास 0 -V0 और R3। ये देखो हमारे पास V0 है, न्यूट्रल पॉइंट पे 0 वोल्ट है, तो 0 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। V0 जो हमने फाइंड करना है, 0 माइनस V0 जो आखिरी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने नेक्स्ट V0 इसमें से फ्लो करेगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस V0। तो हमारे पास V1 की वैल्यू 5 है, R1 की वैल्यू 10 एक्सपोनेंशियल 3 है, V2 की वैल्यू माइनस ये माइनस V2 है यानी -2 है, और डिवाइड बाय 4 एक्सपोनेंशियल 3 है, इज इक्वल टू -V0 आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइड बाय R3 और 20 किलो ओम है, तो 20 एक्सपोनेंशियल -3 आ जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 5 2 2 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 एक्सपोनेंशियल 3 -1 डिवाइड बाई 2 एक्सपोनेंशियल -3 तो आ जाएगा -V0 और 20 एक्सपोनेंशियल -3, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, देखो नीचे टर्म सेम है तो नीचे हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल 3 आ जाएगा, ऊपर 1 -1 तो ये 0 आ जाएगा, और -V0 और 20 एक्सपोनेंशियल -3। अभी हमारे पास 20 एक्सपोनेंशियल 3 इक्वेशन के साइड में 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो V0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास V0 जो है वो 0 आ जाएगी, ठीक है। आखिरी प्रॉब्लम है इस चैप्टर का हमारे पास 18.5। तो कैलकुलेट द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शोन फिगर। ये हमारे पास एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गिवन है फिगर में, इसका हमने क्या करना है, गेन फाइंड करना है यानी बीटा फाइंड करना है। R1 की वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम, R2 40 किलो ओम, ये VI हमारे पास जो इनिशियल वोल्टेज है ये हमारे पास है, और हमने फाइंड क्या करना है, गेन फाइंड करना है। तो R1 10 किलो ओम यानी 10 एक्सपोनेंशियल 3 ओम, R2 हमारे पास 40 किलो ओम यानी 40 एक्सपोनेंशियल 3 ओम आ जाएगा। गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी G G हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला आसान सा फार्मूला आपने याद रखना है, गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फार्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू 1 प्लस R2 और R1 यानी 1 प्लस यानी R2 और R1 डिवाइड
बाई आई वन सेकेंड रेजिस्टेंट डिवाइड बाई फर्स्ट रेजिस्टेंट प्लस वन कर लेंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा नॉन इन्वर्टिंग का एम्पलीफायर का, तो वो जी इज इक्वल टू वन प्लस आर टू डिवाइड बाई आर वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन प्लस फोर्टी एक्सपोनेंशियल थ्री आर टू की वैल्यू है डिवाइड बाई टेन एक्सपोनेंशियल थ्री, तो ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो टेन एक्सपोनेंशियल कैंसिल जगह टेन फोर फोर्टी आ जाएगा, तो वन प्लस फोर, तो यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव आ जाएगी। तो ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गिवन एम्पलीफायर है उसका हमारे पास क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आंसर इसका आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम है चल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, मेरे वेबसाइट का विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।